आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10 आईसीएसई के बारे में है 2020 और 2021। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो नया सिलेबस है, ठीक है, जो 2020 और 2021 का जो नया सिलेबस है, उस सिलेबस का जो नया नया जो इंक्लूडिंग है और एक्सक्लूडिंग टॉपिक्स है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया है। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग हम लोग सभी जानते हैं बैंक क्या होता है। बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज का फंक्शन होता है, बेसिकली पैसे से रिलेटेड जो भी चीज होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बैंकिंग में कितने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं और इस चैप्टर में हम लोग को कौन सा ये टाइप ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो पहला आता है आपका टाइप ऑफ बैंकिंग में बैंक अकाउंट्स में सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट क्या है? आपके पास कितना भी पैसा है, जितना भी पैसा है आप जाके जमा कर दो, ठीक है। उस जितना पैसा डालोगे उस हिसाब का इंटरेस्ट आपको मिलते चला जाएगा, जब आपको निकालना हो आप निकाल सकते हो। ये होता है सेविंग्स अकाउंट, विच इज वेरी नॉर्मल और जो कि सबको ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है कि आपको अचानक 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 का जरूरत पड़ गया, ठीक है। तो आपको वो जो चीज होता है, वो जो लिबर्टी होता है, वो करेंट अकाउंट आपको देता है कि आप उस टाइम पे एक बार में इतने सारे पैसे बैंक से विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एक अकाउंट में आप एक फिक्स्ड मनी ले लिए और उसको आप डिपॉजिट करते चले जा रहे हैं एक एक महीने में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। और एट द टाइम एक टर्म होता है, टेन्योर होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं 500 एज अ प्रिंसिपल हर महीने डिपॉजिट कर रहा हूँ और वो 5 साल के बाद मुझे मेजोरिटी में चाहिए, तो एज पर इंटरेस्ट लगते चला जाए। और वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो डिपॉजिट होते 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 जब हमको निकालना होगा तो हम 5 साल के बाद ही निकालेंगे, उससे पहले नहीं निकाल सकते, तो वो होता है फिक्स डिपॉजिट। आखिर में आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक पैसा लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1,000-2,000 रुपए है, ठीक है, और आप उसको हर महीने आप डिपॉजिट करते जा रहे हैं, डिपॉजिट करते जा रहे हैं, और एट लास्ट जब उस टेन्योर खत्म होता है तो जब आप उसको निकालते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है आपका, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, जब आप लास्ट में जब वो सारा का सारा पैसा आपको जब बैंक देता है एज पर इंटरेस्ट एड इंक्लूड करके, उसको मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। वो जब आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो आपका अपना अमाउंट होगा। तो अब आप बोलिएगा कि फिक्स डिपॉजिट और मैच्योरिटी ये रिकरिंग डिपॉजिट तो एक ही है। नहीं, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है उसमें आप साल जो इयर्स होता है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन रिकरिंग में क्या होता है आप महीने के हिसाब से इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट आपको जो मिलता है वो हर महीने के हिसाब से मिलता है और आपको डिपॉजिट हर महीने करना होता है, ठीक है। सो हियर आर द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। तो बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इस बैंकिंग का जो भी सब से रिलेटेड होगा वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो गाइस हम लोग जान चुके हैं ये कितने सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसके बाद जो टॉपिक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर्मूला, ठीक है, कि इस बैंकिंग के चैप्टर में हम लोग कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस बैंकिंग के चैप्टर में हमें सिर्फ दो फॉर्मूला पढ़ने हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट का और दूसरा फॉर्मूला है आपका मैच्योरिटी वैल्यू का, ठीक है। हम लोग को सबको पता है पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ डिपॉजिट्स। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब जितना बार आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। एक महीने में आप 4 बार डिपॉजिट किए, एक साल में आप 12 बार डिपॉजिट किए, 24 बार डिपॉजिट किए, तो वो डिपेंड करता है। आप इसमें ये टाइम नहीं बोल सकते, इसमें आप नंबर ऑफ डिपॉजिट्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रेट। रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सबको पता है आई जो होता है, जो डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है वो होता है आई। और एन बी जो होता है वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू का, मतलब क्या हुआ कि पीरियड ऑफ टाइम के बाद जितना भी आपका बचता है आपका बैंक से आपको जितना मिलेगा वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू, इंटरेस्ट विद एडेड इंटरेस्ट, ठीक है, उसे मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो, हम लोग इस फॉर्मूलाज पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
और उसके बाद हमें समझ में धीरे धीरे समझ में आएगा कि बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। सो गाइस, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, पहला प्रॉब्लम आ गया है, पहला कठिनाई जिसे हमें पार करना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे कि कैटरीना ओपन्ड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद नेशनल बैंक फॉर पीरियड ऑफ 2 इयर्स। 2 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैटरीना ने खोला। ठीक है, कोई भी बैंक से, इट्स नेशनल बैंक। ठीक है, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, मतलब क्या कि बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, और जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, मतलब हर महीने जो कैटरीना जो इंस्टॉल कर रही है, इंस्टॉलमेंट दे रही है, वो है 20,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स हम लोग को निकालना है और मैच्योर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को हमने फॉर्मूला बताया था, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम लोग गैदर करेंगे। तो पहले जो है इंस्टॉलमेंट इज 1,000, वो हो जाएगा अपना प्रिंसिपल, सो दैट इज पी विच इज इक्वल टू 1,000। ठीक है, नेक्स्ट इज अपना टाइम। देखो, अब टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स, और मंथली इंस्टॉल्ड है। देखो, मंथली इंस्टॉल्ड है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 2 साल में कितने महीने होते हैं, 12 × 2, दैट इज हाउ मच, 24। Now this is not months, this is deposit, number of deposits. So there are total 24 number of deposits in her account with rupees 1000. Understood? Now rate of interest kya hai? 6%. Rate of interest 6% hai. तो अपने को निकालना है interest earned in 2 years. So interest जो होगा उसका formula हमने आपको दिया हुआ है, कृपया उसे देखें हमारे। तो formula क्या है? P into n into n plus 1 by 2 into 12 into r by 100. This is the formula for the interest, right? Now put on the values. P is 1000, n value kya hai 24, aur yahan pe kya ho jayega, 24 plus 1. Theek hai, niche mein 2 into 12 into रेट क्या दिया हुआ है 6%, तो हो जाएगा 6/100। करेक्ट, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे, देखो ये हो जाएगा 24 × 25 / 2 × 12 में यहां पे 1000 दिया हुआ है और इनटू में यहां पे 6/100। देखो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 12 × 2 = 24, 2 गॉट कैंसिल। ठीक है, वी आर लेफ्ट आउट विद 10, 25 एंड 6। So this is 25 × 6 × 10। ठीक है, अब आप बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। 25 × 6 = 150। ठीक है, 25 × 6 क्या होता है 150, और 150 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 1500। सो रुपीज 1500 विल बी द इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हुआ अपना इंटरेस्ट। अब आते हैं अपने मैच्योर्ड वैल्यू पे। ठीक है, मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला यानी मैच्योरिटी वैल्यू एन वी का फॉर्मूला क्या है आपने को पता है, दैट इज पी इंटू एन प्लस आई। करेक्ट, पी इंटू एन प्लस आई। अब पी जो है वो कितना है 1000 इंटू एन कितना है 24 और आई अभी हम लोग निकाले हैं 1500। करेक्ट, देखो 1000 × 24 इजी कैलकुलेशन 24,000 प्लस 1500। अब देखो 24,000 प्लस 1500 जो होगा वो हो जाएगा अपना 25,500। ठीक है, ये आ गया अपना मैच्योर्ड वैल्यू। ठीक है, ये आ गया अपना मैच्योर्ड वैल्यू। सो दिस वाज नंबर 2 और दिस वाज नंबर 1। सो यहां पे आप इसका जो सम है ये कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप सम्स करेंगे कि जो जो चीज आपको दे दिया है वो पहले आप गैदर कर लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपको पूछा है वो चीज आप वैल्यूज लेकर पुट ऑन करके उसका वैल्यूज निकाल देंगे। सो दिस इज इजी थिंग। थैंक यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Mohan deposits rupees 80 per month in a recurring deposit account for 6 years. Find the amount payable to him on maturity if the rate of interest is 6% per annum. ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं. मोहन 80 रुपया हर महीने डिपॉजिट करता था किसमें? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में. कितने दिन के लिए? तो 6 साल के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले कितना डिपॉजिट करता था, यानी पी रुपीज 80. ठीक है, कितने दिन के लिए डिपॉजिट किया, तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ मंथ्स निकालेंगे, तो 6 है, तो 6 × 12 हो जाएगा, दैट इज 72. राइट, 72. Now, find the amount payable to him on maturity. मतलब हम लोग को maturity value निकालना है, जब rate of interest कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, तो NB जो है वो हम लोग को find out करना है. अब देखो, NB जब find out करना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि NB के लिए क्या क्या चाहिए होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं NB is equal to P into N plus I. अपने पास P है, अपने पास N है, लेकिन I नहीं है, तो अपने को I निकालना है. राइट, सो I का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वो क्या है, P into N into N plus 1 by 2 into 12 into R by 100. अब इसमें का सारा वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग बस पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P is equal to 80 into N क्या है 72 प्लस 1 हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाय 2 इनटू 12, और यहाँ पे R जो है वो 6 दिया हुआ है और डिवाइड बाय 100 है. राइट, ठीक है, जब हम लोग मूव ऑन करेंगे तो देखो 12 6 जा 72, ठीक है, 2 3 जा 6, 1 0 इधर से, 1 0 इधर से, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. अपने पास क्या बच गया, देखो 3 3 8 73. राइट, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, देख लो पहले 72 हो गया, 2 3 6 हो गया, ठीक है, 1 0 से कट गया, 2 5 10, 2 3 6 हो गया, तो बेसिकली वी आर लेफ्ट आउट विद क्या हो गया, 8 × 3 × 3 × 73 / 5. राइट, तो बेसिकली दिस इज 3 3 9 एंड इट इज 72 × 73 / 5. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 × 73, 3 × 6 एंड कम्स 1, सॉरी 3 × 7 = 21, 7 × 14 एंड कम्स 1, 7 × 14 = 50, हाउ मच, 6 5 2 5. ठीक है, तो 5 2 5 6, चेक करो 3 × 6, 3 × 7 = 21, 7 × 14 1, 7 × 14 6 5 2 5 ठीक है सो बेसिकली इट इज 5 2 5 6 by 5 ठीक है अब जब हम इसका हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से कितना आ जाएगा 1 0 5 1 0 5 1 5 देखो 5 5 0 5 5 25 5 5 5 10. ठीक है, तो ये जो है अपना ये आ गया इंटरेस्ट. ठीक है, ये आ गया अपना इंटरेस्ट, तो अपना इंटरेस्ट आ चुका है. ठीक है, अब आते हैं अपने मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू का अपने को फॉर्मूला अपने लोग यहाँ पे लिखे हैं, पी इंटू एन प्लस आई, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी इंटू एन प्लस आई. पी का वैल्यू अपने को पता है रुपीज हाउ मच, 80, तो इक्वेशन यूनिट्स नहीं देते, 80 इंटू एन क्या है 72 प्लस आई, आई जो अभी हम लोग निकाले 1051 0.20. ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 छोड़ दो, सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 16 एंड कम्स 1, 8 × 7 = 56 एंड दिस इज 576, और जो 0 है उसको यहां पे लिख दो प्लस 1051.20. जब हम इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट वाला जो है वो पहले यहां पे लिखा जाएगा, तो 0 + 1 दैट इज 1, 6 + 5 दैट इज 11 एंड कम्स 1 1 7 8 8 5 6. तो अपना जो मेच्योरिटी वैल्यू आया वो कितना आया, 6811.200. ठीक है, तो ये अपना मेच्योरिटी वैल्यू आता, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे. ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही. ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग कुछ
टफ टफ क्वेश्चंस करेंगे बैंकिंग के, ठीक है। तो आज आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि बैंकिंग क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग के कितने सारे अकाउंट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट पे, डिपॉजिट अकाउंट पे कुछ कुछ सम्स किए जो कि बहुत ही इजी थे, बैंकिंग का आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैथ्स का बैंकिंग चैप्टर है जो मैंने पढ़ाया है, वो बहुत जल्द को फॉरवर्ड हो सके। सो थैंक यू, दिस इज अभिषेक चंद्र सिंह।